नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात में दमे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। आज सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों ने और सियासत पर अपनी नजर रखने वाले लोगों ने एक तस्वीर देखी है। उस तस्वीर में शिवपाल सिंह यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं, साथ में बहू डिंपल यादव बैठी हुई है, सिर पर पल्लू है और कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि परिवार के सारे बड़ों के आशीर्वाद के साथ मैनपुरीकरण लड़ा जाएगा। और इसी से एक संदेश ये भी मिला है कि शिवपाल यादव तैयार हो गए हैं। शिवपाल यादव बहुरानी के लिए प्रचार करेंगे, बहुरानी के लिए प्रचार करेंगे, अपनी विरासत को संभालने के लिए प्रचार करेंगे, अपने दिवंगत भाई यानी मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल लिस्ट जारी हुई थी जिसमें स्टार कैंपेनर्स में, स्टार प्रचारकों में शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल था। लेकिन अब इस लाइन को पढ़िए, ये लाइन कहती है कि मजबूरी का मिलन है। और सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि साल 2016 से लेकर अभी तक के जितनी भी साक्ष्य मौजूद हैं, अगर उन सबको खंगाल लिया जाए, अखिलेश और शिवपाल यादव के संबंधों को लेकर इसके आधार पर, तो सारे दर्शक मेरे कहेंगे कि हम सही कह रहे हैं। क्योंकि साल 2016 में आपको याद होगा कौमी एकता दल के विलय से लेकर, यानी कि मुख्तार अंसारी को शामिल कराए जाने को लेकर शिवपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं से अखिलेश यादव को लगा कि भाई ये तो जो आपका बॉसिज्म है ये खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव फिर आ जाते हैं मैदान में, फिर मुलायम सिंह यादव अपने भाई के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं कि शिवपाल यादव और मैं अलग नहीं हो सकते, शिवपाल यादव ने पार्टी के लिए जो किया है मैं नहीं भूल सकता। फिर अखिलेश यादव से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ले ली जाती है। ये साल 2016 से 17 के बीच का घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूं। सपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अखिलेश यादव से ली जाती है और बदले में अखिलेश यादव क्या करते हैं कि शिवपाल यादव के जितने भी कैबिनेट पोर्टफोलियोज हैं सब उनसे ले लेते हैं। फिर इधर से बैटिंग शुरू होती है, उधर से बॉलिंग शुरू होती है, धड़ाधड़ अखिलेश शिवपाल के विकेट गिराते हैं, शिवपाल अखिलेश के विकेट गिराते हैं और मौका यहां तक आता है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर देते हैं। खैर, सबने देखा और किस अंदाज में देखा, मुलायम सिंह यादव हालात से चिंतित नजर आए। उसके बाद ऐसा एक मंच पर गला मिलन कार्यक्रम भी चला जिसमें शिवपाल ने अखिलेश से माइक छीन लिया और कहा कि तुम घमंडी मुख्यमंत्री हो और झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हो। लेकिन अब फिर से मैनपुरी की साख का सवाल है, फिर से वोट बैंक का सवाल है और फिर से विरासत को बचाने का सवाल है। अब शिवपाल यादव तैयार हो गए हैं तो क्या ये मजबूरी का मिलन है? चर्चा इसी पर होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, बड़े पैनल से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मैनपुरी न होती तो सपा के पितामह मुलायम सिंह यादव की सियासत चमकदार बनकर दुनिया में नहीं निखरती। मैनपुरी ना होती तो मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव की सियासत इतनी चर्चा में ना होती। मैनपुरी ना होती तो शिवपाल से अदावत रखने वाले उनके चचेरे भाई रामगोपाल यादव ना कहते कि शिवपाल की सहमति से डिंपल का चयन हुआ। मैनपुरी ना होती तो शिवपाल एक कदम आगे बढ़कर बहू के समर्थन का ऐलान ना करते। और मैनपुरी न होती तो चाचा से एक कदम आगे बढ़ने के बदले अखिलेश 2 कदम आगे न बढ़ते, शिवपाल से मिलने, गिले शिकवे दूर करने उनके आवास पर न जाते। मैनपुरी के साथ बीजेपी के शाक्य गार्ड ने राजनीति को सपा के पक्ष में मोड़ कर रख दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच की दूरियों को नजदीक लाने का संकेत दे दिया। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को ये सोचकर मैनपुरी के रण में उतारा था कि शाक्य वोटर्स का तो साथ मिलेगा ही, शिवपाल समर्थक भी समर्थन में वोट दे देंगे। लेकिन मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव ने बीजेपी की सियासत की पूरी बाजी पलट कर रख दी। शिवपाल को मनाया, शिवपाल ने इसके बाद ऐलान किया, अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम के सम्मान में डिंपल यादव को जिताना है। यही नेताजी को असली श्रद्धांजलि है। संदेश साफ था, ये सब वो अखिलेश के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव और बड़ी बहू डिंपल यादव के लिए कर रहे हैं। सबको खबर थी शिवपाल डिंपल को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से अखिलेश की समाजवादी सियासत ने एक दूसरा टर्न ले लिया। अखिलेश शिवपाल के घर पहुंच गए जहाँ उनकी पत्नी डिंपल यादव पहले से मौजूद थी। शिवपाल से मुलाकात की, बात की और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी झट से तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया जिसमें लिखा,
जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। मैनपुरी जो सीट है, आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने स्पष्ट कहा है, उन्होंने अपने पहले भी कई सारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ही नेता है और जो है पूरे परिवार को एक साथ ले चलने की उनके अंदर कुवत भी है। उन्होंने कई बार कई सारे मोर्चों पे कहा और पूरा परिवार आज के टाइम में एक है। दूसरी बात, चाचा ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि मैनपुरी से जो आपकी परिवार की बहू हैं, आदरणीय नेताजी की बहू हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेंगी। मैनपुरी में हालत खराब देख करके अब समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल सिंह यादव की सुध आई है। वरना शिवपाल सिंह यादव जी को ना आजमगढ़ के चुनाव में पूछा, ना गोला के उपचुनाव में पूछा, ना रामपुर के उपचुनाव में पूछा, बल्कि कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी करके उनको स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन अब जब चुनाव में इज्जत दांव पर लग गई है और ये जानते हैं कि जसवंत नगर में चाचा के बिना समाजवादी पार्टी की साइकिल का पैडल मारने के लिए कोई कार्यकर्ता भी ढूंढने नहीं मिलेगा, तब अब वो चाचा के पैरों में जाकर के गिर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश और शिवपाल के संदेश को किस तरीके से लिया जाए। क्या घर के बड़ों यानी बड़ों में अपने सगे चाचा शिवपाल यादव का साथ उपचुनाव से आगे भी बना रहेगा? क्या शिवपाल मैनपुरी की तरह खून पसीने से सींची पार्टी सपा को भी संवारेंगे? और क्या ये रिश्ता 2024 की लड़ाई में भी दिखेगा? क्या अखिलेश को अपने राजनीतिक अनुभव से सियासी सीख शिवपाल हमेशा देते रहेंगे या ये रिश्ता सिर्फ उपचुनाव के लिए बैसाखी है और क्या ये सिर्फ मजबूरी का मिलन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और मुझे बार बार लगता है कि समाजवादी पार्टी के बीच का ये जो फ्यूड है, मुलायम सिंह यादव के बहुत सक्रिय नहीं रहने की स्थिति में, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बन जाने की स्थिति में, ये केस स्टडी के तौर पर याद किया जाएगा, दशकों तक याद किया जाने वाला है। लेकिन अब जब शिवपाल वापस आ गए हैं तो ये क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जुड़ गए हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका बात में दम है में इस स्पेशल एपिसोड में। सर अभी जी प्रणाम सर, अभी बेसिकली प्रश्न ये है कि शिवपाल यादव कई बार फुटबॉल बनने के बाद वापस समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव के प्रचार के लिए मैनपुरी में तैयार हो गए हैं, इधर लेकिन आपकी तरफ से रघुराज शाक्य हैं। तो सर कितनी दिलचस्पी लड़ाई देख रहे हैं? और क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के पुराने सिपहसालार हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हैं, नजदीकी हैं, तो ऐसे में मैं ये समझना आपसे चाहती हूं कि शिवपाल यादव आखिर कौन सी मजबूरी में फंसे हुए हैं कि फुटबॉल बनते हैं फिर से उन्हें बाहर कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर फेंका जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर फेंक दिया जाता है। तो उसमें आपका इस पर चाहती हूं कि पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दर्शक जाने। पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक कहावत है कि मुझे कोई और नहीं और तुझे कोई और नहीं, और नहीं जी। नंबर दो बात है कि मैं ट्रेन में हूँ तो बहुत आवाज कट रही होगी। सर आपकी आवाज बहुत मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से आ रही है, शानदार आवाज। तथा चालक ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भ संधियां हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्भ संधि ये हुई है। जैसा आप फुटबॉल शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2017 से लिखे और ये 22 तक केवल उनको जसवंत नगर से प्रत्याशी बनाया गया, उनको टिकट दे दी गई, उनके प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, उनके प्रशंसक समर्थक को एक सीट नहीं मिली, तो एक सीट तो उन्हें कोई भी दे देता। नंबर दो बात यह है कि ये लोग आपस में मिले हैं लेकिन कोई असर नहीं होगा। रघुराज सिंह कास्ट जो है, एक तो कास्ट वोट वहाँ यादव के बाद नंबर दो पर है और रघुराज सिंह कास्ट इटावा से दो बार एमपी रहे, एक बार विधायक रहे हैं और जो जसवंत नगर विधानसभा नए प्रतिनिधि में मैनपुरी आ गई है। रघुराज सिंह कास्ट जब मेरे साथ एमपी होते थे तो वो इटावा लोकसभा का अभिन्न अंग था, उनका वहाँ असर है। नंबर दो बात यह है कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन था,
क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, वो भी ऐसे ही एक जरूरतबंदी हुई थी और चुनाव के बाद अलग अलग हो गए। बहन मायावती जी मैनपुरी लोकसभा या आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी इस मंडल में 1 लाख वोट डाल देती है और उनके अंदर ये वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। और 2019 में श्री मुलायम सिंह यादव जी जो बहुत बड़े नेता थे वो लड़े थे और मात्र 94,000 वोटों से वो चुनाव जीते, 1 लाख से भी नहीं जीते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अंतर सीमित रह गया। 1 लाख वोट था, सुनिएगा, आप बीएसपी साथ में नहीं है, आप नेताजी स्वयं नहीं है और आप रघुराज सिंह तक लड़ जी। ठीक है, आपकी आवाज दरअसल नेटवर्क कनेक्शन के चलते बहुत मुफीद हमको नहीं मिल रही है, बहुत माकूल नहीं मिल रही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्ग संधि, सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही एसपी सिंह बघेल ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दुर्ग संधि का शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए, तो कौन कौन पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लंबे समय बाद आप जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डीपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं, सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभासपा के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अलावा इसके हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एके मिश्रा जुड़ रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर शरद त्रिवेदी भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं आज के डिस्कशन में डिस्कस करने के लिए और बहुत सारी सुइयां जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ घूम जाती हैं, बहुत ऑटोमेटिकली घूम जाती हैं, प्रत्यक्ष तौर पर घूम जाती हैं। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी और ये बयान है, दरअसल ये शिवपाल यादव ने कहा था। और क्या कहा था शिवपाल यादव ने, मेरा कितना भी अपमान कर लेना, कितनी भी बार मुझे बर्खास्त कर लेना, पर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, खून मांगोगे तो मैं खून भी दूंगा। और शिवपाल यादव इसे चरितार्थ कर रहे हैं, इस बात को हूबहू प्रत्यक्ष तौर पर सामने रख रहे हैं। और ये तब की बात है जब 2016 में मनमुटाव शुरू हुआ और इस हद तक पहुंचा कि इधर अखिलेश यादव इनके 2 विकेट गिराते थे, खेमेबाजी इतनी जबरदस्त हो गई कि शिवपाल के सारे पोर्टफोलियोज मिनिस्ट्री से ले लिए गए, यहां तक कि 2-2 कैंडिडेट्स की सूचियां जारी हो गई। अब ये इस बात से अंदाजा लगाइए। और फाइनली मुलायम सिंह यादव ने 6 साल के लिए अखिलेश यादव को निष्कासित कर दिया। खैर, ये सारी चीजें कहते हुए मैं इस डिस्कशन की शुरुआत कर रही हूं। डॉक्टर अजीज खान, जिन शिवपाल यादव को जसवंत नगर से जीतने के बावजूद विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया और जिस बात की नाराजगी उन्होंने सरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर की, उन्हीं शिवपाल को मनाने के लिए बहू डिंपल यादव पहले पहुंची और फिर अखिलेश यादव को भी उनके घर जाना पड़ा, तो क्यों ना कहा जाए कि यह मजबूरी का मिलन है, क्यों ना कहा जाए कि शिवपाल यादव जसवंत नगर से जो विधायक भी हैं, सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, क्यों ना कहा जाए कि उनकी ताकत है कि अगर वो चाह ले तो मैनपुरी का दुर्ग जीतना आपके लिए कठिन हो जाएगा। देखिए गरिमा जी, आप स्वतंत्र हैं और आप कोई भी टैगलाइन दे सकती हैं, कोई भी हेडलाइन दे सकती हैं, मजबूरी का मिलन और जो भी नाम देना चाहें, मेरे ख्याल से बेहतर होगा आप जो भी देंगी वो सब स्वीकार है। लेकिन एक बात आप जानिए कि लाठी मारने से पानी नहीं फटता है। चाचा और भतीजे का जो रिश्ता है ना वो बड़ा अटूट होता है, बहुत अचूक होता है और उस अचूक रिश्ते को और उस अटूट रिश्ते को आप इस बात को समझिए कि कुछ चंद ऐसे लोग जो घरों को तोड़ते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी बनवा देते हैं और तमाम चीजें, मुझे कुछ बताना नहीं है, सरकारें गिरा देते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि इस परिवार को नहीं तोड़ पाएंगे। इस परिवार में जो एकता रही है पहले, वो आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि देखिए ये संस्कारी परिवार है और जहां संस्कार होता है वहां पर राजनीति कोई मायने नहीं रखता है। आदरणीय चाचा जी का सम्मान पहले था, आज भी और हमेशा रहेगा, कभी नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया, उन्होंने दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार का नतीजा है कि लोगों में एक संदेश गया कि चाचा और भतीजे में अच्छा रिश्ता नहीं है। लेकिन सच इसमें यह नहीं है, सच्चाई ये है कि रिश्ता बहुत ही अटूट है और ये हमेशा अटूट बना रहे। सर, ये लेटर मेरे सामने, समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको जारी किया था और इसमें लिखा था कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं और ज्यादा सम्मान आपको मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये जुलाई का पत्र है सर, ये जुलाई का पत्र है और ये तब का पत्र है जब शिवपाल यादव ने कहा था कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान, मैं आपको बहुत
संभ्रांत व्यक्ति के तौर पर, बहुत जेन्युइन व्यक्ति के तौर पर इस पैनल का हिस्सा समझ रही हूं। आपने हमेशा बहुत साफगोई से, निडर होकर, ईमानदारी से राजनीतिक हित को और अहित को परे रखते हुए आपने बात की, तो मुझे बताएं सर, ये जो जिस संस्कार का आप हवाला दे रहे हैं ना, ये मेरे सामने चल इसलिए नहीं पाएगा सर, क्योंकि मैंने बड़ा चीख चीख के एंकरिंग की 2016 से लेकर 2017 तक, और 2017 से 2022 तक भी मैं देख रही हूं कि हुआ क्या है। खैर, तो मुझे बता दीजिए सर कि कहीं ये लगता था क्या कि शिवपाल यादव अगर साथ नहीं होंगे तो जो लोग मुलायम सिंह के साथ हैं वो भी साथ नहीं आएंगे? देखिए गरिमा जी, आपको भी पता है कि आदरणीय नेता जी ने मैनपुरी सीट को अपने खून पसीने से सींचा, वर्ल्ड के मैप पर मैनपुरी को लाकर के खड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैनपुरी की जनता इस बात को एहसास कर रही है कि मैनपुरी के लिए नेताजी ने बहुत कुछ किया, और इसमें निसंदेह कि नेताजी और बहुत कुछ करना चाह रहे थे। उनके तमाम अधूरे ख्वाब को अगर कोई पूरा कर सकता है ये मैनपुरी की जनता जानती है कि उससे आदरणीय डिंपल जी कर सकती है, क्योंकि नेताजी के बहुत सारे ख्वाब रहे, उसको और बड़े पैमाने पर ले जाने का प्रयास करते रहे। तो डिंपल यादव को ही सर जब सब कुछ करना था तो शिवपाल यादव के द्वार जाने की क्या जरूरत थी? मैं आ रहा हूं गरिमा जी, मैं आ रहा हूं। देखिए एक बात आप जानिए, यह तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा था, आपको पता है। फिर बीजेपी पर आ गए आप सर, सर बीजेपी पर नहीं आए सर, प्लीज सर, प्लीज बीजेपी पर ना आए। मैं पूछ रही हूँ सर, मैं प्रिसाइजली पूछ रही हूँ कि डिंपल यादव को ही अगर नेताजी के ख्वाब पूरे करने हैं तो फिर शिवपाल यादव के द्वारे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए गरिमा जी, बहू जो ससुर की जो 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 कल्पनाएं होती है, जो ख्वाहिशें होती है, वो बहू ही पूरा करती है, और बहू से ये उम्मीद लगाती है पूरी दुनिया और पूरा संसार और पूरा जहान। एक बहू की एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक बात समझिए आप, तो बहू की जो जिम्मेदारी है वो आदरणीय डिंपल जी निभाने का प्रयास कर रही है। इस पर मेरा कोई डिनायल नहीं है सर, इस पर मेरा कोई डिनायल है ही नहीं, लेकिन क्या डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मुझे ये बताएंगे कि अगर डिंपल यादव को वो विरासत संभालनी है तो शिवपाल यादव, जिन्हें अब से तकरीबन 3 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि जहां जाना है जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें चुनाव में उनके कहने से किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, जिन्हें हर बार फुटबॉल बनाकर बाहर फेंका गया, उनके द्वारे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए गरिमा जी, आपको भी ये पता है ये मीडिया परसेप्शन है, ना किसी को कोई भगाया, ना किसी को कोई अपमानित किया, ये मीडिया ने इस परसेप्शन, इस नैरेटिव को क्रिएट किया। पहली सर, बाहर आकर अखिलेश यादव जो बयान देते हैं, बाहर आकर अखिलेश यादव ने जो कहा, बाहर आकर शिवपाल यादव ने जो कहा, बाहर आकर मुलायम जी ने जो कहा, यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में आपस में खींचातानी हो गई, मंच पर माइक छीन लिया गया, घमंडी कहा जाता रहा, अहंकारी कहा जाता रहा, ये मीडिया परसेप्शन नहीं है सर? आप ये बताएं मुझे, जहां दो बर्तन होते हैं हाँ। परिवार में क्या उसमें आपस में खनकता नहीं? बहुत बढ़िया सर, बहुत उसमें वो भिड़ते नहीं है, एक बात समझिए। और अगर ऐसा होता है और आपस में दो बर्तन लड़ते हैं तो ये नेचुरल फैक्ट है गरिमा जी, और इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन क्या मोहब्बत कम हो जाएगी, क्या पाक प्यार कम हो जाएगा? एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ द्वारे का सवाल नहीं है, ये सब अपना परिवार है, एक ही घर है और एक ही परिवार है। शायद आप सैसई में आप जाने का आपको सौभाग्य मिला हो या ना मिला हो, हम तो अक्सर जाते रहते हैं, जो घर है ना वो चारों तरफ से दीवार और बीच में सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ कोई किसी के घर जाता नहीं है, हर शख्स का एक दूसरे से दिल मिला हुआ है। ठीक है सर, संस्कार और प्यार, संस्कार और प्यार, ठीक है सर, संस्कार प्यार दुलार फटकार सब यहीं पर आ जाता है। मेरे साथ प्रसपा के प्रवक्ता भी हैं डीपी यादव, मेरे ख्याल से आज कुछ बोलने के लिए आपके पास होगा नहीं, क्योंकि जब लगभग एक हफ्ते पहले बैठकर हम बात कर रहे थे तो आपने और आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सीना ठोक कर कहा था कि शिवपाल यादव नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव फिर पहुंच गए हैं। प्यार है, संस्कार है, या फिर ये सियासत का कहीं कोई मिलन और मजबूरी इसको देखा जाए? डीपी यादव, सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? डीपी यादव हमारे साथ नहीं है और उम्मीद करेंगे कि जल्द वो हमसे जुड़े और हम तक अपनी बात पहुंचाएं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद त्रिवेदी, आपको भी सर कोई और चेहरा नहीं मिला, मुलायम के गढ़ में आपने भी उस व्यक्ति को उतारा जो मुलायमवादी कहता है अपने आप को, जो शिवपाल से टूटकर कुछ महीने पहले आपके साथ शामिल हुआ, आपके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था मुलायम के गढ़ में उनके खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा करने के लिए?
देखिए गर्मा जी, पार्टी उसको चुनती है जो जीतने वाला हो, और उसके पीछे पूरी ताकत भाजपा की रहती है। भाजपा निरंतर काम करती रहती, भाजपा का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव हो ना हो, आने वाला हो जाने वाला हो, उससे कोई लेना देना नहीं। भाजपा का निरंतर काम चलता रहता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छी छवि का है जो वहां चुनाव जीत सकता है, उसको भाजपा लेके आती है। हर पार्टी का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो जीतने वाले को लेके आए, क्योंकि पार्टी को सत्ता में रहने की जरूरत है। तो सत्ता में रहने के लिए जो जीतेगा उसी को पार्टी चुन के लाती है, और उसी के पीछे पूरी ताकत लगती है। तो यही पार्टी ने फैसला किया। नहीं, प्रेम सिंह शाखे जिनके कैंडिडेचर को इतना स्ट्रांग माना गया, क्योंकि उन्होंने नेताजी की जीत के अंतर को कुछ लाख से समेट कर 92,000 पे ला दिया, तो प्रेम सिंह शाक्य भी उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय की ताकत वहां पर ज्यादा दिखती है यादवों के मुकाबले। हालांकि मैं इस जातिवादी कैलकुलेशन को बिल्कुल गलत समझती हूं पॉलिटिक्स में, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में ये चलता है, और आपने मुझे कहा कि जिताऊ कैंडिडेट, तो प्रेम सिंह शाक्य भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं थे? रघुराज शाक्य क्यों? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करता है वो बहुत सोच समझ के तय करता है, वो फैसला बहुत एक रणनीति के तहत किया जाता है। तो जिसको पार्टी समझती है कि वो ठीक है, उसको चिन्हित करना जरूरी है, वो वहां चुनाव अच्छा लड़ सकता है और जीत सकता है, उसको पार्टी लेके आती है। उसमें कोई मतलब किसी और का हस्तक्षेप करना या हम लोग उस पर कोई टीका टिप्पणी करें, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है सर, मेरे साथ डीपी यादव भी मौजूद है। डीपी यादव, क्या आप कहेंगे आज के इस पूरे घटनाक्रम पर, इस तस्वीर पर, इस मनुहार पर, इस प्यार पर, इस संस्कार पर, इतनी सारी फटकार के बाद? डीपी यादव, घटनाक्रम हुआ ये बताता है कि निश्चित रूप से देखिए किस प्रकार से श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनका साथ दिया। लगभग 4 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो मजबूती के साथ आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह के साथ खड़े रहे, उनके साथ कदम से कदम मिला करके। उनके भी वो निश्चित रूप से नेताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत उनके आगे बढ़ेंगे। और जो मैनपुरी का चुनाव है वो समाजवादी विचारधारा की आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी, जो वहां की समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, उनको रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। देखिए, जसवंत नगर की सीट आदरणीय नेताजी ने श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सौंपी थी, और उस सीट पर वो लगातार 6वीं बार विधायक हैं, और कहीं ना कहीं नेताजी के जो शोषण भी समतामूलक समाजवादी विचारधारा की अवधारणा थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है डीपी यादव, मेरा सवाल ये है कि अब से एक हफ्ता पहले तक आप लोग पूरी तरीके से सीना तान कर कह रहे थे कि शिवपाल यादव नहीं जाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन शिवपाल यादव पहुंच गए। और अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि दुर्ग संधि है, और दुर्ग संधि है सिर्फ इस उपचुनाव के लिए, फिर से उन्हें फुटबॉल की तरह बाहर किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से परिस्थितियां उस समय दूसरी थी, आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज की परिस्थिति यह है कि किस प्रकार से देश को, उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं जो फिरका परस्त ताकते हैं, जो बांटने वाली ताकते हैं, उनसे बचाया जाए। किस प्रकार से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, उसको कहीं ना कहीं किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जो नेताजी के अधूरे सपने रह गए हैं, कैसे उन सपनों को पूरा किया जाए। नेताजी ने जो मैनपुरी के लिए वादा किया था, अब ये उपचुनाव है। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें बहुत अच्छा मौका था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने नेताजी को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दिया था, तो ये चूंकि नेताजी के उपचुनाव हो रहा है न रहने पर मैनपुरी में, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती तो श्रद्धांजलि स्वरूप अपना कैंडिडेट विथड्रॉ कर लेती, वहां कैंडिडेट उतारती, नेताजी को श्रद्धांजलि भी हो जाती। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी साथ होकर के चुनाव लड़ती, लेकिन इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी नैतिकता रखनी चाहिए थी कि वो कैंडिडेट न उतारती वहां पर। शरद त्रिवेदी, आपके लिए सवाल है शरद त्रिवेदी, और ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2014 में मोदी ने वहां प्रचार नहीं किया, 2019 में मोदी ने वहां प्रचार नहीं किया, तो क्या ये हो सकता था जैसा शरद त्रिवेदी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जैसे अभी डीपी यादव कह रहे हैं कि आपने तो उस लिगेसी का भी ख्याल नहीं किया? देखिए, जो मुलायम सिंह जी का सम्मान पूरा देश करता है और भाजपा भी करती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, सब उनका सम्मान करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा भारत के दिल में उनकी जगह रहेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि ये समझ नहीं रहे कि ये चुनाव है।
और चुनाव में पार्टी अपने हितों को देख के, देश के हितों को देख के, प्रदेश के हितों को देख के फैसला लेती है। और ये क्योंकि ये पार्टी नहीं है, ये जो समाजवादी एक टीवी सीरियल है जिसमें सास नहीं है, मतलब बहू, भतीजे, भांजे, चाचा, मौसी, मौसा सब लोग हैं इसमें। और उसमें आप देखें कि जैसे रामपुर के चुनाव में या आजमगढ़ के चुनाव में माननीय अखिलेश जी नहीं गए थे, क्योंकि जो एक इमीडिएट फैमिली होती है, जो राज परिवार में जो इमीडिएट फैमिली होती, जो बेटा होता है वो या बहू के लिए जो है वहां पे लोग खड़े होते हैं, क्यों, जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, उसका कोई रोल नहीं है। जैसे माननीय शिवपाल जी को लाया गया, फिर माननीय शिवपाल जी को बाहर निकाला गया, फिर उनको बेइज्जत किया गया, उन्होंने खुद कहा कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाया गया। उससे पहले 2017 में जिस तरह की घटनाएं घटी उसका उल्लेख आपने किया है कि उनका माइक छीना गया, उनको वहां से धक्का दिया गया, लेकिन फिर वो एक परिवार को एक करने के लिए अपमान का घूंट पी के वो दोबारा आए, वो दोबारा उनके टिकट पे चुनाव लड़े, उनके सिंबल पे चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद उनका क्या नतीजा हुआ वो आपको मालूम है। और 2014 से 12 के बाद से जो हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के, आप देख लीजिए, पहले चाचा भतीजे साथ थे तो क्या नतीजा निकला, फिर चाचा भतीजे अलग हुए तो क्या नतीजा निकला, सास बहू जो बहू जो बेटा बबुआ और बुआ साथ थे तब क्या हुआ, फिर लड़के साथ थे तब क्या हुआ। तो ये अपनी राजनीतिक जमीन इनकी खत्म हो चुकी है, उसको खोजने में ये इनका प्रयत्न लगा रहता है। इसीलिए ये लोग देखिए कि आजमगढ़ में और रामपुर के चुनाव में अखिलेश जी नहीं गए, ये क्योंकि उनके इमीडिएट परिवार का चुनाव है इसलिए वो यहाँ आ गए। अगर उनको पार्टी का सम्मान था, उनको माननीय मुलायम सिंह जी की वो इज्जत करते थे जो देश उनकी इज्जत करता है, तो उनको जाना चाहिए था रामपुर। मैं तो ये मानती नहीं हूँ, बतौर पत्रकार मैं नहीं मानती इस बात की, मैं नहीं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि हमने सैकड़ों तस्वीरें देखी जिनमें समझ में आया, यहाँ तक कि पार्टी पहुंच गई सिंबल पर क्लेम करने के लिए इलेक्शन कमीशन। इधर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि साइकिल मेरा सिंबल है, मेरी पार्टी मैंने बनाई। इधर अखिलेश समर्थक पहुंच गए इलेक्शन कमीशन में, कहां का सम्मान और कहां का संस्कार। मुझे कई दफा ये बातें कोरी लगती है, लेकिन मैं आऊंगी शरद त्रिवेदी जी आपके पास। डॉक्टर उमाशंकर राजभर मेरे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर, आप क्योंकि वहां पर अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, लेकिन मैनपुरी के रण में जहां कांग्रेस ने विथड्रॉ कर लिया है, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है, और इसमें भी मजबूत कैंडिडेट कौन है ये हम सबको दिख रहा है, भले ही गुणा गणित और कोई भी हो, तो आपके पास हासिल करने के लिए क्या है डॉक्टर उमाशंकर पांडे? गरिमा जी, इस बात को ध्यान रखिए, रमाकांत कश्यप के रूप में वहां आदि पिछड़ों का नेता, आज जो साग की चर्चा हो रही है, यादव की चर्चा हो रही है, लेकिन कभी कश्यप, प्रजापति, पाल, इनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने अति पिछड़ों के रूप में रमाकांत कश्यप को उतारा है, जहां 1.5 लाख के ऊपर उनका वोट है कश्यप का। तो इसीलिए आप बात को मानिए, जो है हम भले ही जीते लेकिन कम से कम अति पिछड़े को नेतृत्व दे रहे हैं, वहां पे नेता रह रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, यही बात माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी के कह रहे थे आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में कि आप आ जाइए, अगर आप आ गए होते नौबत नहीं होती, जो आज आपको हार का एहसास होने लगा है, और एहसास की वजह से आज माननीय शिवपाल इतना बेइज्जत करने के बाद आप जो कह रही थी कि विधानमंडल दल का नेता जुलाई में इनको पत्र दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पिछली विधान जो मंडल सत्र चल रहा था उसमें विधानसभा अध्यक्ष को लेटर दिया गया, उनकी बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। इतने अपमान के बाद भी आज स्थिति ऐसी हो गई कि माननीय अखिलेश जी और डिंपल यादव जी उनके शरण में गए, तो उनको एहसास हो गया कि यह सीट वो हार रहे हैं, क्योंकि अति पिछड़ों का जो वोट है, पाल, प्रजापति, कश्यप का जो कुर्मी का वोट है, वह रमाकांत कश्यप को मिलने जा रहा है। हाँ। इसलिए इनको हार का एहसास हो गया है, इसीलिए गए हैं शिवपाल यादव के द्वारे। मेरे साथ एके मिश्रा जी भी हैं। एके मिश्रा जी, अब आपने सबको सुन लिया है, आपने संस्कार सुन लिया, प्यार सुन लिया, मनुहार सुन लिया, सब सुन लिया आपने। आपने ये भी सुन लिया कि भाई सुभाषपा का प्रत्याशी जीतने वाला है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये मजबूरी का मिलन है क्या, और क्या वाकई अखिलेश यादव के भीतर कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने शिवपाल यादव के सामने इस तरह की हेकड़ी दिखाई है, वर्चस्व की जंग हमने आमने सामने देखी है। ये कोई मीडिया परसेप्शन नहीं है, ये वही है जो देखा गया है, दिखाया गया है। ऐसे में क्या वाकई मैनपुरी का रण शिवपाल यादव के बगैर मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था?
देखिए मैम, चूंकि ये जो पूरी डिबेट है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और उसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो हमारे जो समाजवादी प्रवक्ता थे, हमारे मित्र बैठे थे, उन्होंने बड़ा कर्णप्रिय और मनमोहक व्याख्या दी कि चचा और भतीजे का रिश्ता है ये है। तो चचा और भतीजे का रिश्ता तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का भी था, जो कि कड़े पे। सवाल ये है, ये प्योर राजनीति की बात है। जो अखिलेश यादव अभी पीछे 2-3 सालों में जो हुआ, न अखिलेश यादव न डिंपल यादव, किसी को भी चचा की याद नहीं आई, यानी शिवपाल यादव जी की याद नहीं आई। अब उनको इस जगह पे जाकर के मुझे लगता है वो ऐसे फंसे हुए हैं कि चाहे लेस मात्र ही क्यों न सही, लेकिन शिवपाल यादव जी के बिना नैया पार नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, आई एम मतलब कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने ही अप्रोच किया होगा शिवपाल यादव जी को, और ये तब किया होगा कि अभी 4 दिन पहले ये खबर आई थी कि अखिलेश यादव ने तो शिवपाल यादव से बात भी नहीं की, किसी मीटिंग वीटिंग में गए थे। अब ऐसा क्या हो गया इन 4 दिनों में, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर उनको ये खबर चली होगी कि भाई सिचुएशन जो है यहाँ पर बड़ी टफ है। एक सीट हारने या जीतने से विधानसभा में ना सरकार किसी की नई बनेगी ना गिरेगी, लेकिन ये प्रतिष्ठा की बात है यहाँ पे, और ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देगा अगर डिंपल यादव यहाँ पे हार जाती हैं, तो मरता क्या ना करता। और एक चीज और है कि शिवपाल यादव भी अगर वापस गए हैं तो मुझे लगता है ऐसा कोई मोह नहीं है उनका भी अपना, नहीं उनका भी ये लगा होगा। देखिए अभी तक जब से वो अलग हुए या किए गए, अपने आप को वो एज ए पॉलिटिशियन वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जो स्टेबिलिटी उन्होंने पहले एंजॉय की थी लगातार कई सालों तक, कैबिनेट मिनिस्टर ये वो 10-10 पोर्टफोलियो लेके बैठे रहते थे, वो अभी तक 1-2 सीट भी शायद मिल जाए, उनकी सीट मिल जाती है, उसके बाद कितनी मिली मुझे पता नहीं। तो उनको भी ये लग रहा था कि हाँ भाई अगर, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसी डील हुई होगी कि हाँ भाई दोनों ही तरफ विन विन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आगे, और ये भी हो सकता है कि आगे दोनों एक हो जाएं और शिवपाल जी को वो गरिमामय सिचुएशन में लाया जाए। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा संभावना किस बात की है? मुझे इस बात की संभावना नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती है कि एक गुडविल बनी रहेगी। मुझे लगता है कि मैनपुरी का चुनाव खत्म, गुडविल खत्म। अगर नहीं देखिए, फिर आगे 2024 में फंसेगा तो फिर बुला लेंगे। अगर सब कुछ नहीं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और डिंपल यादव जीत भी गई ना, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली शिवपाल यादव जी को इसका जबरदस्त क्रेडिट मिलेगा और दोनों में मधुरता आएगी। वो कटुता खत्म होके हो सकता है सीटों का बंटवारा कर ले, एक स्ट्रॉन्ग टाई अप हो जाए या फिर से वो विलय हो जाए। अच्छा। ये संभावनाएं मुझे दिखती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शिवपाल यादव अभी भगवान करे उनकी उम्र बहुत हो, लेकिन वो जब तक रहेंगे वो सपा के पैर में ऐसे चुभे हुए कांटे की तरह रहेंगे अखिलेश यादव के, कि वो एक एक कदम पे जो है वो दुख देने वाले रहेंगे। और कांटे को निकाल कर फेंका नहीं जा सकता क्या? हाँ। ये जो आप बात कह रहे हैं, अब एके मिश्रा जी को मुझे जरा समझा दीजिए, ब्रेक पर जाऊंगे मुस्कुराते हुए। नहीं, कांटे को देखिए, अब जिसने कांटा चुभोया है वही कांटा जो है निकालने के लिए वहां जा रहा है कि आइए चाचा हम आपके पैर का कांटा निकालते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में दोनों विन विन की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे थे, हालांकि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए बीजेपी ने क्या किया, क्यों ये ऐसे डेट को ले आए जो पहले उन्हीं के साथ थे। हाँ, देखिए लोहे को लोहा काटता है, कांटे से कांटा निकालने वाली बात यहाँ पे बीजेपी ने की है। डेफिनेटली ये मान लेना चाहिए बीजेपी को कि उनका इंडिविजुअल कोई कैंडिडेट वहां पे ऐसा नहीं है जो यादव फैमिली को चुनौती दे सके। नहीं मान ले तो फिर सियासत किस चीज की? नहीं सियासत पर दुरूह कैसे रह जाए? नहीं सियासत ठीक है, आप मत मानिए चुनाव जीतना। देखिए हालांकि अब बीजेपी प्रवक्ता ने बोला सिद्धांतों को परे रखना एक अलग चीज होती है, अब बोल दीजिए चुनाव जीतना है भाई, कोई भी मिल जाए। मुझे लगता है इतनी सच्ची, जिस दिन इतनी सच्ची राजनीति शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है जनता भरोसा, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिल सकते हैं तो दे आर ऑल्सो गोइंग गुड। देखिए जब मायावती और अखिलेश मिल सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता, उधर नीतीश और लालू मिल सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता। उसमें तो मायावती जी ने खेल कर दिया था, ठीक है वो खेल भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान छोटा सा रिमार्क चाहती हूँ सर आपसे, क्या वाकई शिवपाल यादव अखिलेश के पांव में फंसे हुए एक कांटे हैं जिन्हें ना निकाला जा सक रहा है और साल रहे हैं, कदम दर कदम उस दर्द का एहसास भी हो रहा है, क्या चल क्या रहा है सर? ये छोटा सा रिमार्क। देखिए गरिमा जी, अभी एके मिश्रा जी का एनालिसिस में सुन रहा था जी, मैं इनको कहना सिर्फ ये चाहूंगा, इसमें कमेंट सिर्फ इतना ही है कि जैसा जिसको दिखे ये दुनिया वैसा उसे दिखाने दो, अपनी अपनी नजर है सबकी, क्या सच है ये जाने दो। बहुत खूब। देखिए सच्चाई क्या है,
सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। ये मेरे ख्याल से टेलीविजन के डिबेट में इस बात को कहने का आशय नहीं होना चाहिए और टेलीविजन डिबेट से बातें तय नहीं होंगी, लेकिन सच्चाई ये है जो जो दिल के रिश्ते हैं ना वो टेलीविजन पे नहीं तय होते। लेकिन सर दिल के रिश्ते, डॉक्टर अजीज खान, मैं आपको तैयारी का समय दे रही हूँ, डॉक्टर अजीज खान मैं तैयारी का समय दे रही हूँ और मैं लौटने के बाद आपसे पूछूंगी आखिर कैसे दिल के रिश्ते हैं जो बार बार कह देते हैं भैया जहाँ जाना है जाओ, बार बार कह देते, पोर्टफोलियो छीन लिए जाते हैं, उनको पैदल करके छोड़ दिया जाता है। खैर ये कैसे दिल के रिश्ते हैं मैं भी समझना चाहूंगी। बार बार तलाक, फिर बार बार घर वापसी, फिर तलाक, फिर घर वापसी। एक छोटा सा ब्रेक, क्या वाकई शिवपाल जो है पैर में चुभे हुए कांटे की तरह है? लौट रहे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केशकांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। देसी पाव भाजी की यही पहचान MDH पाव भाजी मसाला, इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH MDH। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुँचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आए। अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। ओकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे, किस्मत कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मजेदार स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनका काम बोलता है। बेलकोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बहुत स्वागत है आपका। जिक्र मैनपुरी की उस सीट का जो समाजवादी पार्टी का दुर्ग कही जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है, और इसी लोकसभा सीट में आते हैं 5 विधानसभा क्षेत्र जिनमें से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। जिन 3 पर समाजवादी पार्टी काबिज है उनमें से एक जसवंत नगर की सीट है जो शिवपाल यादव के हवाले है और दूसरी करहल की सीट है जो स्वयं अखिलेश यादव के हवाले है। लेकिन बार बार हम जिक्र इस चीज का कर रहे हैं कि सियासत में कभी भी कुछ भी मुमकिन है। और सबसे खूबसूरत बात, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ जुड़े थे SP सिंह बघेल, उन्होंने बात कही थी कि ना मुझको कहीं और ना मुझको कोई और ना तुझको कहीं ठौर। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, बेहद अजीज हैं और बेहद ही हमारे लिए सम्मानित प्रवक्ता हैं। सर निश्चित तौर पर आपके लिए डिफेंड करना आज मुश्किल है समाजवादी पार्टी के और शिवपाल यादव के इस गठजोड़ को, लेकिन सर ये कैसा प्यार है, ये कैसा संस्कार है
जो नुमाया होता है बिखरता हुआ सड़कों पर, जब भी कोई झगड़ा परिवार का सड़क पर आता है, डॉक्टर अजीज खान, आप इस बात से, मेरी बात से आप असहमत नहीं होंगे, डिसअग्री नहीं होंगे कि जब भी परिवार का कोई झगड़ा सड़क पर आता है तो वो कोई निजी वस्तु नहीं रह जाता, वो सार्वजनिक हो जाता है। डॉक्टर अजीज खान, देखिए गरिमा जी, दो तीन बातें हैं। आप लगातार इस सवाल को उठा रही हैं कि साहब सर फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं आप, इस दफा जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जवाब हम खूब दे रहे हैं जी, और मेरे ख्याल से देश की जनता भी इस बात को समझ रही है गंभीरता से। मैंने पहले भी कहा और फिर मैं इसी बात को दोहराना चाहूंगा कि देखिए परिवार है, परिवार में कटुता भी होती है, मोहब्बत भी होती है, एक दूसरे से लड़ते भी हैं और तमाम तरीके की बातें होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दिलों की दूरियां बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं। जो दिल का रिश्ता है, जो खूनी रिश्ता है, वो खूनी रिश्ते को आप कभी भी जुदा नहीं कर सकते, उनको कभी अलग नहीं कर सकते। मैंने पहले भी एग्जाम्पल आपको दिया था कि लाठी मारने से पानी नहीं फटता है, जो हालात है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं आपस में बातें हुई, उन बातों का अलग अलग मतलब निकाला गया, फिर एक हुए और तमाम बातें उसके तमाम परिप्रेक्ष्य में तमाम तरीके की बातें फैलाई गई। लेकिन सच्चाई ये कि जो संस्कार है इस परिवार में, उस संस्कार को आप डिनाई नहीं कर सकती। जिस तरह आपस में एक दूसरे का लोग इज्जत करते हैं, आप इस बात को देखिए कि तमाम बातें होने के बावजूद जो एक परिवार में हमेशा थोड़ा बहुत तनाव होता है और मोहब्बत होता है, आपस में मिलते हैं, लेकिन आप जानिए कि सम्मान देखिए, आदरणीय अखिलेश जी ने हमेशा चाचा जी का पैर छुआ है, हमेशा उनके सामने हमेशा हमेशा बहुत सम्मानित तरीके से अपने आप को उन्होंने पेश किया। तो सवाल इस बात का है कि जो संस्कार है वो संस्कार बोलता है, और चाचा भतीजे की रिश्ते को ना तो बीजेपी वाले जो घरों को तोड़ते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, ये उस रिश्ते में कड़वाहट नहीं ला पाएंगे। कितना भी प्रयास कर ले कड़वाहट नहीं आने वाला है, बल्कि मोहब्बत और बढ़ने वाला है। मैं आपको आज बता रहा हूं, हरीश त्रिवेदी, माफ कीजिएगा शरद त्रिवेदी, आप लोग परिवार तोड़ते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव एक वक्त पर आपके पास भी जा रहे थे, आपके साथ भी आ रहे थे, वो आते आते फिर समाजवादी पार्टी के हो गए हैं, फिर अखिलेश के हो गए हैं। घर में जी देखिए, परिवार का के जो सबसे शीर्ष नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने तो खुद कहा था कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। तो हमारे यहाँ एक कहावत भी है पूर्वांचल में कि भयन अपनी माँ को उधो श्याम से नहीं काको, तो वो तो अपने परिवार के भी नहीं हुए, अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए, तो अब वो तो उनके खुद के पिताजी जो बहुत ही सम्मानित नेता, हर पार्टी हर वर्ग के नेता रहे हैं, तो जब उन्होंने ऐसी बात कही है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। आप देखिए कि और परिवार में भी अगर कुछ सदस्य होते हो उनमें मनमुटाव होता, राजनीति अपनी जगह है, मनमुटाव होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का अपमान माननीय शिवपाल जी के साथ किया गया, उसके बाद वो लौट के आए, फिर उनका अपमान किया गया, जीतने के बाद फिर अपमान किया गया, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अगर हम जैसे डॉक्टर खान साहब बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जैसे बताया कि परिवार की बात है, तो कम से कम परिवार में अब तो सम्मान दे देना चाहिए। अब पता चला कि अपनी नैया डूबने वाली, तो फिर उन्होंने नया कप्तान ले आया कि चलो भाई किसी तरह गाड़ी निकाल दो। और मिश्र जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, लेकिन मिश्र जी के विश्लेषण में एक खास चीज है कि उनका सारा विश्लेषण अगर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो जीतेंगे तो ये रहेंगे। आप देखिए कि जीतना तो है ही नहीं, क्योंकि जो इनके गढ़ थे वहां सब ध्वस्त हो गए, अमेठी में कांग्रेस का गढ़ वो भी निपट गया, तो जिसको ये लोग अपने संगठन की धुरी मानते थे वो सारे जिले और वो सारी असेंबली और एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी निपट चुकी हैं। अब ये आखिरी बार है, इसमें भी देख लेते हैं उसमें क्या बात है। तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं डिंपल यादव चुनाव हार रही हैं सर, आपका क्लेम यही है ना कि डिंपल यादव चुनाव हार रही हैं? नहीं, जीत तो ये रामपुर और आजमगढ़ भी रहे थे, नतीजा सामने है अभी। नहीं, मैं मैनपुरी का जिक्र कर रही हूँ, डिंपल यादव चुनाव हार रही हैं, आपका ये क्लेम है? देखिए, नतीजा जो पहले हुआ था उससे कोई भिन्न नहीं होने वाला है, जो पहले नतीजा निकला था वो दोबारा निकलने वाला है। कहने में क्या दिक्कत है फिर, घूम फिरा कर कह लीजिए, कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, डिंपल यादव चुनाव हार रही है, भाजपा जीतेगी, हमारा जो वहां पे सम्मानित नेता जिनको टिकट दिया गया है वो शपथ लेंगे, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर, मैं आपसे एक इतर सवाल पूछ रही हूं, आपकी पार्टी से इतर, शिवपाल यादव का बार बार लौट कर चले जाना और बार बार एक ऐसा दिखाता है कि बार बार शामिल हो जाना, भतीजे के साथ शामिल हो जाना, इस दफा भतीज बहू के साथ शामिल हो गए हैं, तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
क्यों आखिर शिवपाल की कौन सी मजबूरी फंसी है? वो चाहें तो दरकिनार कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि अब तो उनके भाई भी नहीं है जिनके सम्मान के खातिर, जिनकी गरिमा के खातिर वो अब तक झुकते रहे, झुककर चलते रहे, अब तो वो भी नहीं है। देखिए गरिमा जी, शिवपाल जी की एक मजबूरी है, विधानसभा में आपने देखा अलग होने के बाद भी वह जो है 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन मजबूरी में आकर के वह केवल जसवंत नगर की सीट पे समझौता कर लिए। जो इतना अपार सहने के बाद भी आजमगढ़ में आप बता दीजिए, धर्मेंद्र यादव भी इनके भाई थे, लेकिन क्या धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव जी उतरे क्या? जो है आज जिस तरह से मैनपुरी में उतरे हैं, इस बात को आप मान लीजिए, शिवपाल इनके प्रकार जो है उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि चुनाव चिन्ह जो है वह सपा का यूज किए है, इसलिए वह जो है अलग नहीं हो सकते, इस बात को आप ध्यान रखिए। और परिवार की जहां तक बात है उसमें आप मानिए कि शिवपाल जी का बहुत ज्यादा वजन नहीं है, अगर वजन रहा होता तो विधानसभा में जिस तरह से वो 5 सीटें मांग रहे थे अखिलेश यादव जी 5 सीटें देते, लेकिन जसवंत नगर के सिवा कुछ दिए नहीं, इसलिए उनको भी जानते हैं वो भी जान रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय लोग तो पावर सेंटर तो अखिलेश है ना डॉक्टर उमाशंकर, पावर सेंटर तो अखिलेश हो गए, ठीक है सर, पावर सेंटर इसका मतलब अखिलेश है, वो जब चाहें तब निकालें, जब चाहें तब बुला लें। अब यहां पर एके मिश्रा जी आपकी भूमिका आती है, मुझे समझाइए शिवपाल यादव ये जो बने हुए हैं चकर घिन्नी क्यों बने हुए? नहीं देखिए, और क्या ये जो उपनयन संस्कार, शायद इसको मैं कहूं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, ये जो हुआ है क्या ये 2024 जितने तक खींचेगा या फिर बीच में ही हमें इसका पटाक्षेप देखने? देखिए हमारे मित्र डॉक्टर अजीज खान ने शेर व शायरी की, मुझे तो डर लगता है क्योंकि इसी शेर व शायरी ने कमबख्त रामपुर के जो नवाब होते थे उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया। सर शेर व शायरी छोड़ दीजिए, जनाब कसूर ना आँखों को दीजिए ना आईनों को, कमबख्त सूरत ही ऐसी है। तो हमें मत बताइए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमें खराब दिख रहा है, क्षमा करिएगा शेर व शायरी के लिए, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि करियर बर्बाद हो जाता है जिसने शेर व शायरी की पॉलिटिक्स में आज के डेट में। देखिए मैं बोल ये रहा था कि यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं ये बात 100% सही है। आखिर 3 दिन पहले तक जो लोग बात भी नहीं कर रहे थे, डिंपल मैम भी बात नहीं कर रही थी, अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे थे, कोई शिवपाल जी को पूछ भी नहीं रहा था, आज एक इतना प्यार, मतलब ये प्यार और तकरार बार बार ऐसे नहीं, बिना जो है एक राजकुमार की तरह, एक छत्रप की तरह जो है उभरे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि नहीं भाई अकेले ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और भी जितने सेनापति उनके यहाँ थे उनकी टीम में उनका साथ लेना जरूरी है, ये ज़रूरत आज उनको आन पड़ी। और नो डाउट मैं आपको बताऊँ, क्षेत्रीय लेवल पे या पार्टी में अंदर, मैं पब्लिक डोमिनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी करते थे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना, शिवपाल यादव जी अंदर जो पॉलिटिकल चीज़ें होती थी इंडिविजुअली लोगों से मिल करके, ये उनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को समझ में आ रही हैं, और जिस हिसाब से चुनौतियां हैं कि वहां पे बीजेपी इसको, देखिए हारे या जीते बात वो हमारे बीजेपी के जो मित्र बोल रहे थे ना, ठीक है मैंने पहले भी बोला कि बीजेपी हारे या जीते उससे बीजेपी की सरकार ना बनेगी ना गिरने वाली है, लेकिन ये प्रतिष्ठा का विषय है और बीजेपी की ये आदत रही है। आप ये देखिए सरकार बने या ना बने, लेकिन जितने प्रतिष्ठित दुर्ग रहे हैं, गढ़ रहे हैं, इसने पहले कब्जा किया, अमेठी उदाहरण है, रामपुर आप देख लीजिए, यहाँ वहां देख लीजिए, तो बीजेपी भी इसको लेकर के बहुत सीरियस है। और संभावना बनती है क्या, थोड़ी बहुत संभावना है क्या बीजेपी की? नहीं नहीं, अगर ये पूछा जाए कि चुनाव जीतने की संभावना किसकी है, तो ज्यादातर संभावना तो बीजेपी की है। अच्छा। चुनौतियां इतनी कठिन है समाजवादी पार्टी के लिए, वो जमाने गए जब नेताजी हुआ करते थे और आंख मूंद के कोई भी खड़ा हो जाए जीतना सपा ही होता था। बीजेपी ने इनके गढ़ में आके, इसके पहले भी डिंपल यादव मैम को हराया है इन लोगों ने जो है उन्हीं के गढ़ में जा करके, तो ये चीजें समझ में आ रही हैं अखिलेश यादव जी को कि इतना आसान जो है नहीं है कि हम आंख मूंद करके बैठे रहे, अदरवाइज अखिलेश यादव जी कभी नहीं जाते शिवपाल यादव के पास। अगर अब ये जो एक और एक जो 11 हो गए, अब तो मुझे लगता है कि शायद स्थितियां बदलेंगी, कैलकुलेशन बदलेगी, नहीं टक्कर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी कांटे की हो जाएगी, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि अगर ये पूछा जाए कि चुनाव जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो कई मामलों में बीजेपी के हैं, उसके पीछे एक कारण है। देखिए अखिलेश यादव जी केवल इमोशनल
कार्ड पे ये चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है भाई, नेताजी को श्रद्धांजलि देनी है। अच्छा ठीक है, अब देखिए अभी जब नेताजी की श्रद्धांजलि वगैरह, लेकिन ऐसा कैसे होगा सर, ऐसा कैसे होगा कि मुलायम सिंह यादव का जो कैडर है, जिसको उन्होंने सींचा है, प्रेम दिया है, वो अचानक से छिटक कर बीजेपी के पाले में कैसे आ जाएंगे, ये कैसे मुमकिन? ये बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे बीजेपी ने एक बहुत अच्छी रणनीति की थी। जब नेताजी की तबीयत खराब हो रही थी तो लाइन से बीजेपी के नेता जाते थे, चाय पीना देखना, और उसके साथ साथ उनकी मृत्यु पे भी जितने मृत्यु उपरांत जो संस्कार होते हैं, ट्वीट करना, ये सब करना। तो ये बीजेपी जो हमेशा से धुर विरोधी रही है, मैं खुद आश्चर्यचकित था कि इतना ज्यादा स्नेह, खैर एक मानवीय भावना के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं साइलेंट वे में वो जो है एक पॉलिटिकल कनेक्शन वहां के लोगों से बना रहे थे। नेताजी की ही इमेज को बीजेपी अपने तरफ मोड़ने के लिए ये कोशिश कर रही थी, और क्योंकि इसी सब के चलते फाइट टफ नजर आई, और इसीलिए वो जो संवेदना, प्यार, मनुहार वो शिवपाल के द्वार पर आई। डॉक्टर अजीज खान, क्या चलिए हम मान लेते हैं कि शिवपाल यादव के साथ चाचा भतीजे का प्रेम है दोनों का, मैंने आपकी फाइनली ये बात मान ली है, लेकिन अब मैं आपको एक क्लेम करने का मौका देती हूँ सर, क्योंकि आप अक्सर हमारे पैनलिस्ट होते हैं। अब आप मुझे बताइए बतौर प्रवक्ता सर, कि क्या शिवपाल का और अखिलेश यादव का ये जो गठजोड़ है, संस्कार है, प्यार है, ये हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा, या मैनपुरी के बाद फिर से संबंध विच्छेद हो जाएगा? देखिए गरिमा जी, अभी हमारे शेयर में बड़ी आपत्ति व्यक्त की मिश्रा जी ने, और मिश्रा जी पता नहीं कौन कौन से आंकड़े पेश कर रहे थे, साफ बीजेपी जीत जाएगी और तमाम बातें, मैंने कोई आंकड़ा ही नहीं दिया, मुझे लग रहा है क्वांटिटेटिव तो मैंने किया ही नहीं कुछ। अरे सुन लीजिए सर, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, और देखिए जब हम नहीं समझे, आप नहीं समझे, तो मैं इसी शेयर के माध्यम से फिर आपको समझाना चाहूंगा। इरशाद है सर, इरशाद। कभी यूं भी, अरे सुनिए नगर, तौबा सर, मुझे अपना कैरियर नहीं चौपट करना है, मैंने देखा एक शेर सुनाया था संसद में, उनका पॉलिटिकल कैरियर। सर आपको इरशाद है, डॉक्टर अजीज खान इरशाद जी। अरे सर, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया, ठीक है, औरों को। ये मिश्रा जी, तो देखिए मिश्रा जी, बात यही है जो आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा जनता सब समझदार है, सारी बातें जानती है। दूसरी बात, अभी गरिमा जी ने बड़ा अहम सवाल किया कि ये रिश्ता कंटिन्यू, देखिए रिश्ता था, है और रहेगा, इस रिश्ते को कोई तोड़ने वाला नहीं है, और हालांकि तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तोड़ने की कोशिश की जाएगी और कर रहे हैं, लेकिन ये इतना मजबूत बंधन है, इस बंधन को तोड़ना आसान है सर? नहीं, मेरा बड़ा प्रसाई सवाल था सर, मैं कुछ कंक्लूजन लेकर सर उठना चाहती हूँ। चलिए मैनपुरी हो गया सर, मुझे प्लीज ये बताइए, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, इस सवाल का जवाब दीजिए सर, संबंध विच्छेद तो देखने को नहीं मिलेगा ना, अब ये क्या हम फाइनल गठजोड़ माने, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, वैसे ही क्या ये गठजोड़ संस्कार हम मान ले कि अब ये सदा सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर। देखिए हीरा तो सदा के लिए ही होता है और ये सदा ही रहेगा, सदा रहेगा सर, ये अटूट बंधन है, ठीक है, अटूट बंधन है। हाँ। और कड़वाहटें आएंगी, परिवार है, नो डाउट कि आपस में थोड़े बहुत मतभेद होंगे, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, बट रिश्ता बहुत बरकरार होगा और बेहतरीन रिश्ता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान, आपने बहुत मजबूती के साथ, बहुत दिलेरी के साथ सारे सवालों का सामना किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद त्रिवेदी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमाशंकर आपका बहुत शुक्रिया, ए के मिश्रा जी आपने बहुत अच्छी गणित के साथ समझाने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात में दमे देख रहे थे आप, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, हमें देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए बेहद शुक्रिया, नमस्कार। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के